स्टार्ट है। कि नवगढ़ पुलिस स्टेशन के एरिया में गुडनेस के पास बिल्डिंग में 28 तारीख को दोपहर में एक लेडी और उसकी बच्ची की बेलवाड़ी मिली थी और उनकी दोनों की भी हत्या हुई थी। इस सिलसिले में थाने ग्रामीण पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। हमारे एडिशनल एसपी प्रशांत कदम, एसपी भोसले, लोकल क्राइम ब्रांच के पीआई अभय कुरुंदकर, पीआई प्रफुल्ल वाहक, इन लोगों ने कड़ी मेहनत करके गुने का डिटेक्ट किया है। गुना इसमें एक आरोपी को अरेस्ट किया है, जो द्वितीय आरोपी इसमें है। उसका नाम है विनायक रमेश यपुर, 23 साल की उम्र है उसकी। ये जो आरोपी है उसके पास पूछताछ करने के बाद ऐसा पता चला है कि ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ दैट लेडी। उनके घर में उसका हमेशा आना जाना था, दोनों का 7-8 महीने से फ्रेंड थे। कभी कभी उनके घर पर भी वो रहता था, खाना खाता था। पैसे के एक दूसरे के पैसे के अनबन की वजह से लड़की उसको पैसे मांग रही थी, उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे की वजह से उनमें थोड़ा झगड़ा हुआ था उस दिन, पहले भी काफ़ी दो चार दिन पहले भी झगड़ा हुआ था। पैसे मांग रही थी इसलिए उसको गुस्सा आया। रात में वो सोने के बाद रात में उसने दोनों को पहले माँ को मारा, अपनी बेटी ने देखा तो बेटी को भी उसने मारा था। बाद में गोवा और शिरडी वगैरह इधर भागा था। पुलिस को पता चला कि वो शिरडी से आने वाला है, तो ट्रैप लगा के उसको लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस ने अरेस्ट किया है। सर, किन चीज से मारा है उसने? उसने चाकू भी उसको मारा है, उसके बाद उसका स्मदरिंग गला घोटा है, उसका दोनों का भी गला घोट के हत्या की उसने। सर, हत्या के पहले रेप वगैरह हुआ है? अभी तो उसने तो बताया नहीं, लेकिन अभी अपन ने पूरे सैंपल फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भेजा है, डॉक्टर का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उनके साथ में इंटरकोर्स हुआ था कि नहीं हुआ था। नाजायज संबंध के चलते हत्या हुई है, ऐसी भी चर्चा है। तो उसका उसके रिलेशन थे उनके उसके साथ में, फ्रेंडली रिलेशन थे ऐसा उसका कहना है। और पैसे मांग रही थी इसलिए उसको गुस्सा आया, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने मारा, ऐसा उसका कहना है। उधर मुंबई से पकड़ा गया है, वो शिरडी से आ रहा था, वो ट्रैप लगा के उसको पकड़ा गया है। वो सर पता नहीं, पैसे के बारे में बोल रहा था वो, बाकी का तपास करना पड़ेगा।